वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो हियर्स योर गर्ल मुस्कान एंड एज आई प्रॉमिस मैं एक न्यू वीडियो लेके आ चुकी हूँ। एंड अभी तक तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बर्थडे ड्रेसेस। एंड मैं अपनी 5 टॉप रिकमेंडेशंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आपको वो ड्रेसेस अच्छी लगे तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स और ऐप से जाकर उसे बाय कर सकते हो। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स के सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ वन मिनट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू वोंट मिस एनी न्यू वीडियोस और अपडेट्स। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस ड्रेस गाइस एंड दिस इज अमेजिंग आई गेस। इसका जो शाइनी टेक्सचर है दिस इज सो अमेजिंग। आई डोंट थिंक अपने बर्थडेज पे कोई भी सिंपल ड्रेस डालना प्रेफर करता है, सो डेफिनेटली कुछ यूनिक अगर आपको वेयर करना है तो आप इसको जरूर चेक करें। एंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर वीडियो गाइज, तो आप जितने भी अगर आपको कोई ड्रेस अच्छी लग रही है तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आई गेस दिस इज अ ग्रेट ड्रेस। एंड ये मैंने ली थी अर्बैनिक से, एंड जो भी प्राइजेस वगैरह है वो मैं सब मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, कहीं आपको शो हो जाएगा। एंड ये मैंने खुद के अपने बर्थडे पे एंड अपने कॉलेज फ्रेशर्स पे डाली थी। अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज लुकिंग सो ग्रेट, तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें। एंड माई नेक्स्ट रिकमेंडेशन, दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड इन ब्लैक। मतलब ब्लैक तो यार जान है, मतलब उस कलर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज सो अमेजिंग। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कट मिल जाता है इसमें। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अर्बैनिक। एंड ये भी मैंने काफ़ी आई थिंक ये भी मैंने अपने एक बर्थडे पे वेयर किया था। एंड दिस वॉज लुकिंग ऑल्सो सो ग्रेट। एंड जो इसका ये बटरफ्लाई टेक्स्चर है ना यार, दिस इज सो यूनिक एंड सो क्यूट। मतलब ये ड्रेस इतनी क्यूट लग रही है ना, पहनने के बाद आप देख सकते हो ये कितनी क्यूट लग रही है। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट, दिस इज अ ग्रेट परचेज। एंड फॉर माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन आई विल रिकमेंड दिस लॉन्ग ड्रेस, जो कि आप अपने बर्थडे पे डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। दिस इज द ड्रेस गाइस, दिस इज सो अमेजिंग। एंड हाँ, ऑल्सो जितनी भी मैंने अभी तक आपको ड्रेसेस दिखाई हैं वो सारी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ली थी, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कोई भी ड्रेस ले सकते हो। मेरे को बेसिकली हमेशा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ही आता है, तो मैं वही परचेज करती हूँ। एंड ये भी मेरे आई थिंक ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही मैंने लिया है, बट दिस इज फ्रॉम मिंत्रा, सो वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट परचेज एंड बेस्ट फिट फॉर बर्थडे ड्रेसेज आई गेस। दिस इज सो लॉन्ग, यू कैन सी दिस। तो ये आपको ऊपर से लेके एकदम नीचे तक आ जाएगा। एंड ऑल्सो दिस इज सो गुड। एंड ऑल्सो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, जैसे कोई चुभने वाली कोई इसमें चीज़ नहीं है, मतलब देख के ही पता लग रहा है ये चीज़ तो। एंड मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें अनकम्फर्टेबल फील करोगे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है, इसमें आप इजीली वॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जैसे लॉन्ग ड्रेसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसे वॉक करना, लेकिन इसमें डेफिनेटली आप बहुत आसानी से वॉक कर सकते हो। सो दिस इज अ ग्रेट परचेज, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस इज माय फेवरेट ड्रेस गाइस, आई एम इन लव विद दिस ड्रेस। दिस इज अ शॉर्ट ड्रेस, बट ये इतना क्यूट लगता है ना यार पहनने के बाद, सो क्यूट। इसको आप जो मैंने नेकलेस पहना है इसके साथ आप स्टाइल कर सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपके पास हो तो उसके साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बहुत क्यूट लगने वाला है। दिस इज सो ग्रेट एंड दिस इज फ्रॉम थ्रिफ्ट स्टोर, सो इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, बट दिस अगर आपके पास सिमिलर कोई इस टाइप की ड्रेस है तो आपको इस टाइप से स्टाइल कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। नीचे आप ऑब्वियसली ब्लैक हील्स डालोगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट परचेज टिल नाउ। एंड येस, अगर आपके पास कोई सिमिलर है तो आप इसको उस तरह से स्टाइल कर सकते हो। एंड ऑल्सो इस ड्रेस के नीचे आप शॉर्ट्स वेयर कर सकते हो, तो वो और भी ज़्यादा कूल लगेगा। मैं जनरली ये वाले शॉर्ट्स वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कूल लगते हैं, और ये मैंने रेंडमली किसी शॉप से ही लिए थे, तो ये मेरे ऑनलाइन परचेज नहीं है। सो शॉर्ट्स तो आप कोई भी वेयर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल हो। एंड दूसरी ड्रेसेस के नीचे ऑब्वियसली आप साइकिलिंग शॉर्ट्स वेयर कर सकते हो। नाउ माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी, सो
कुछ लोगों के क्या होता है कि कुछ लोगों के घर में पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली माई फादर. सो वो लाइक ऐसे अलाउ नहीं करेंगे आपको ऐसी ड्रेसेस पहनने के लिए अपने बर्थडे पे और आप बाहर जाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स होते हैं. सो उसके लिए अगर आप जीन्स टॉप भी आप उसके लिए स्टाइल कर सकते हो. सो अब मैं आपको एक जीन्स टॉप दिखाने वाली हूँ. अभी तक का मेरा बेस्ट परचेज, दिस इज द जीन्स, सॉरी, सो दिस इज द जीन्स. इसमें आपको ये टू व्हाटएवर वी कैन कॉल दिस, तो हम इसको यू नो स्टमक पे टाई कर सकते हैं. सो एक यू नो अलग पैटर्न ये देता है हमें. एंड दिस इज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम अर्बैनिक, और इसको लाइक इसका बहुत शाइनी टेक्स्चर है. एंड ऑल्सो दिस इज अफोर्डेबल, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, यू कैन ईजिली बाय दैट. एंड इसका बहुत ज़्यादा शाइनी टेक्स्चर है जो कि लाइक दूर से ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, आई गेस. सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो इन अ बूट कट, लाइक व्हाटएवर, आई थिंक बूट कट ही बोलते हैं. सो दिस नीचे से, दिस इज नॉट स्ट्रेट लेग, सो दिस इज ग्रेट, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. एंड ऑल्सो इसके ऊपर आप टॉप वेयर कर सकते हो, जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है दिस टॉप. एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अर्बैनिक, मेरे मोस्टली कपड़े अर्बैनिक से ही जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट परचेज. ऑल्सो दिस इज अ क्रॉप टॉप, एंड इसके साथ मुझे लाइक जो इसकी स्लीव्स होती हैं वो भी मिली हैं. तो स्लीव्स में आप उन्हें वेयर कर भी सकते हो, आप बिना स्लीव्स के भी वेयर कर सकते हो, तो ये इसका एक एडवांटेज है. तो आप दो तरह से इसको स्टाइल कर सकते हो, एंड ये दोनों तरह से ही बहुत अमेजिंग लगता है. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट, दिस टॉप इज लव, आई एम टेलिंग यू गाइज. इसका टेक्स्चर, इसका फैब्रिक, एवरीथिंग इज सो कूल. सो जस्ट गो एंड चेक दिस आउट, आई हाईली रिकमेंड दिस टॉप. एंड दिस वीडियो इज ऑल नॉन स्पॉन्सर्ड, सो ऐसा मत सोचना कि मैं पेड वो कर रही हूँ. This is all non-sponsored, तो these are my personal recommendations, जो मुझे personally अच्छा लगता है. So आप इसे definitely check करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप buy भी कर सकते हैं. This is all about today's video, and I'll be back with a new video soon. आप मुझे comment down में कोई suggestions भी डाल सकते हो कि आपको किस type की videos देखनी है, next video आप कौन से topic पर देखना चाहते हो. So मैं उसी topic पर बनाने का try करूंगी. सो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सजेशंस कैसे लगे, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करोगे. सो टाटा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू गाइज, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, सो मुझे थोड़ी मोटिवेशन आएगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगी. थैंक यू.